हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें दोस्तों क्लियरली ये बताया है कि इग्नू के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम को 17 सितम्बर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टाइप का कन्फ्यूज़न है कि आप में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट माना जा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फाइनल ईयर में एडमिशन करवा लिया है, अब उनमें से ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर पाएंगे, और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी या फिर वो सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके रिगार्डिंग इग्नू की तरफ से अभी तक 3 नोटिफिकेशंस दिए जा चुके, सो तीनों नोटिफिकेशंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आप अपने सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से जो भी स्टूडेंट्स टिप्स गुरु चैनल पे नया जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों अभी भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसलिए दोस्तों आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन के अंदर इग्नू की डेट शीट आने वाली है, उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपकी होल टिकट भी रिलीज कर दी जाएगी। सो इन सभी की अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से आया है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो 22 जुलाई को और 30 जुलाई को इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशंस निकाले गए थे, उन्हीं को रिफ्रेंस लेते हुए अभी आपके एग्जामिनेशंस के लिए ये फाइनल नोटिफिकेशन है। 17 सितंबर से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी ये फाइनल ईयर और एंड सेमेस्टर वाले कौन से स्टूडेंट हैं, इसके लिए भी इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 जुलाई को। सो अभी चेक करते हैं ये 22 जुलाई वाला नोटिफिकेशन दिया गया था, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दोस्तों 22 जुलाई वाले नोटिफिकेशंस में आप अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है इग्नू की तरफ से कि इग्नू के एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट किए जाएंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के लिए, जो बैचलर्स डिग्री के होंगे उनके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वाले जो भी फाइनल ईयर वाले या जिनका लास्ट सेमेस्टर है, सिर्फ उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली बोल्ड में, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ऑन एडमिशन ईयर एंड रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पीरियड। मतलब आप जब अपना एडमिशन करवा लेते हैं उसके बाद में जो मिनिमम टाइम पीरियड है, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पे फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इग्नू की तरफ से एक टेबल भी दी गई थी, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको यहाँ पे फाइनल ईयर में काउंट किया जाएगा सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। सो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स डिग्री के, उनके लिए देख लीजिए, अगर आपने जुलाई 2018 या उससे पहले इग्नू में एडमिशन करवाया है, तो उसके बाद में आपने जुलाई 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, क्योंकि मास्टर्स डिग्री आपकी 2 साल की रहती है। लेकिन आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैसे जुलाई 2018 में एडमिशन तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपने जुलाई 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने फिर बाद में जनवरी 2020 सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो दोस्तों इसके लिए भी आगे वाला जो कॉलम है इसमें दिया हुआ है जुलाई 2019 और बिफोर, जनवरी 2020 और बिफोर फोर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 में या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनका ईयर वाला सिस्टम है ईयरली बेस्ड, और जिनका सेमेस्टर वाला सिस्टम है उसमें जिन्होंने जनवरी 2020 या उससे पहले लास्ट सेमेस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पे
सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2017 या उससे पहले एडमिशन करवाया है और उसके बाद में जुलाई 2019 या उससे पहले वाले सेशन में अगर आपने अपने लास्ट ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप यहां पे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी 2020 सेशन या उससे पहले अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो यहाँ पे ये जुलाई 2019 और बिफोर लिखा हुआ है ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए है। जितने भी बैचलर्स डिग्री वाले हैं जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, जो इस टाइप के प्रोग्राम्स हैं ईयरली बेस्ड, उन सभी के लिए जुलाई 2019 या उससे पहले अगर आपने लास्ट ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें सेमेस्टर वाला सिस्टम रहता है, BCA, MCA, MBA, इस टाइप के कोर्सेज, इन सभी के लिए अगर आपने जनवरी 2020 या उससे पहले मतलब जुलाई 2019 में लास्ट सेमेस्टर में अगर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आपको अभी सितंबर में एग्ज़ाम्स देने के लिए परमिशन नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों बीकॉम AF, बीकॉम CAA, बीकॉम CFA, MLIS, BLIS, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये सिर्फ एक साल के प्रोग्राम रहते हैं। इनके लिए अगर आपने जुलाई 2019 या उससे पहले वाले सेशन में अगर एडमिशन करवाया है तो आप इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर में काउंट किए जाएंगे। आप अभी सितंबर में अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। लास्ट में आता है दोस्तों सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 या इससे पहले वाले सेशन में अपना एडमिशन करवाया है किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए तो आपको यहाँ पे सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस देने के लिए परमिशन मिल जाएगी। अभी दोस्तों आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको ये लगता है कि आप अभी फाइनल ईयर में हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था उसमें अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था, मतलब आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल थे, तभी आपको सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस देने के लिए परमिशन मिल पाएगी। अदरवाइज़ आपकी होल टिकट इग्नू की वेबसाइट पर रिलीज़ नहीं होगी। अभी बात करते हैं दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स अभी सितंबर में अपने एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ईयरली वाला सिस्टम है, जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन करवाया है या अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है, बेसिकली जिनका भी एक साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो सभी डायरेक्टली दिसंबर में अपने एग्ज़ाम्स अपीयर कर पाएंगे। और जो इंटरमीडिएट ईयर वाले थे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले बैचलर्स डिग्री के लिए और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के लिए, आप सभी के जून वाले एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करके दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। और जो भी दिसंबर में अपने एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो रहे थे आप सभी के एग्ज़ाम्स भी दिसंबर में ही कंडक्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन 22 जुलाई को रिलीज़ किया गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टाइप का कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। इसके रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशन इग्नू की तरफ से दिया गया था वो नोटिफिकेशन भी आप एक बार चेक कर लीजिए। इसे 30 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो ODL वाला सिस्टम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाला, इसमें अभी आपके एग्ज़ाम्स एक साल में दो बार कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम्प्लीट करने के बाद में उसी सेशन में अपने एग्ज़ाम्स देता है या उससे नेक्स्ट वाले सेशन में अगर वो फेल हो जाता है तब वो फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर पाता है। इसलिए इग्नू की तरफ से जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के या आप इन्हें इंटरमीडिएट ईयर वाले स्टूडेंट्स बोल दीजिए, उन सभी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इग्नू का जो प्रमोट वाला सिस्टम है वो कुछ अलग टाइप का है। अगर आप नेक्स्ट हायर क्लास में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। आप अगली क्लास के साथ में भी, जैसे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं
वो फर्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम्स भी अपने सेकंड ईयर के साथ में दे सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो 30 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया गया था इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था, आप यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में चेक कर सकते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग द अबव मेंशन फ्लेक्सिबिलिटी इन पेस ऑफ लर्निंग ए स्टूडेंट इज अवार्डेड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ओनली वैन सी और ही हैज़ सक्सेसफुली अर्नड प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स दैट इज पास्ड इन ऑल द कोर्सेज ऑफ द प्रोग्राम। आप जब तक अपने सभी कोर्सेज में सभी जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हुए हैं उनमें पास नहीं हो जाते हैं तब तक आपको डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो आपके बैक वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पास करने होंगे। अगर आप अपने सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपियर नहीं कर पाएंगे तो यही एग्ज़ाम्स की जो फीस है उसे दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों आप फाइनली ये जो टेबल मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अगर फाइनल ईयर में काउंट होते हैं तो आप अभी सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपके एग्ज़ाम्स दिसंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके चेक कर लीजिए। अगर आपके इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स थे फाइनल ईयर से रिलेटेड, आपके सितंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों इग्नू की तरफ से अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।